राष्ट्रीय दशहरे मेले में झूलों के आवंटन को लेकर हंगामा हो गया और नौबत झगड़े तक जा पहुंची। हंगामे की सूचना जब भाजपा वार्ड पार्षद योगेश आलूवालिया को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और कुछ देर के लिए झूलों के आवंटन की प्रक्रिया को बंद करवा दिया। उनका कहना था कि आवंटन की प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता अपनाई जाए। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर उपायुक्त अशोक त्यागी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हंगामा कर रहे सभी लोगों को चैम्बर से बाहर निकाल लिया। इस दौरान झूले की प्रक्रिया में शामिल सहायक लेखा अधिकारी संजय जैन ने ऐसे माहौल में काम करने से मना कर दिया। उपायुक्त अशोक त्यागी ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। भाजपा पार्षद योगेश आलूवालिया ने आवंटन प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। मेरे को तो ये सूचना लग रही थी कि यहाँ पर जो झूले वाले हैं, झूले वालों को जो गिरोह टाइप बना रखा है कि बोली लगाने से कई लोगों को मना कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह भी बोला गया। हमारे भाजपा पार्षद प्रतिनिधि मंडल ने कल गजेंद्र सिंह जी को भी ये बोला गया था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही मेरे ख्याल से। जिसको मन कर रहा है उसको बुलाया जा रहा है और जो जिसको रोक रहा है गुंडागर्दी मचा रखी है कुल मिला के। उनको आज जांच कराएंगे इस ऑक्शन के तुरंत बाद और जो भी अनधिकृत उसको वहीं सीज कराया जाएगा और आगे के लिए ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई करेंगे। ये तो मैं उस समय नहीं था, लेकिन अगर कोई कार्रवाई हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी, उसके अनुसार जो है हमारे CSI हैं वो उपस्थित हैं मौके पर और CI साहब जो कार्रवाई